आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आरोपी के कब्जे से 1160 लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया है। बता दें कि अकलतरा थाना प्रभारी उमेश राहू ने बताया कि ग्राम परसाही बाना निवासी तामेश्वर रत्नाकर के घर में अवैध रूप से डीजल भंडारण करने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अकलतरा पुलिस द्वारा दबिश दिया गया, जहां आरोपी के घर से 29 नग अलग अलग जरीकेन में कुल 1160 लीटर अवैध डीजल बरामद किया गया, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बिलाईगढ़ विकास खंड में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर नवाचार शाला में उत्कृष्ट वातावरण बनाने में योगदान देने वाले 8 शिक्षकों को गौरव अलंकरण पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास खंड शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण साहू ने कहा कि हमारे विकास खंड में 1800 सहायक शिक्षक हैं, जिनमें से आप सभी 8 चयनित शिक्षक को अपने स्कूल में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वहीं शिक्षक विनोद डेट सेना ने कहा कि प्रशंसा और पुरस्कार बिना मांगे मिलती है, तभी अच्छा रहता है। खबर जगदलपुर से है, जहां शहर में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जहां आरोपी ने अलग अलग लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की है। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी 420 अपराध पंजीबद्ध कर फरार आरोपी आशीष दास को कांकेर से पकड़ लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी की शिकायत आशीष दास के खिलाफ थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ था, जिसके जांच के दौरान आशीष दास के खिलाफ धारा 420 जिस पश्चात उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर जगदलपुर से, जहां शहर से लगे आड़ावाल स्थित ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक शाला से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां समय पर फीस नहीं दिए जाने पर बच्चों को वार्षिक परीक्षा देने से मना कर दिया गया। वहां मौजूद पालकों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस स्कूल की मनमानी हमेशा से चलती आ रही है। पिछले साल सालाना फीस 30,000 रही, वहीं एक साल के अंदर फीस को बढ़ाकर 18,000 किया गया। साथ ही स्कूल आने में थोड़ी देरी हो जाने से 50 रुपए अवैध शुल्क लिया जाता है। पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों से जय हिंद एवं वंदे मातरम नहीं कहलवाया जाता है। वहीं मीडिया के द्वारा सूचना दिए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए खंड स्नोत समन्वयक वरुण मिश्रा को जांच के लिए मौके पर भेजा। मीडिया से बात करते हुए वरुण मिश्रा ने बताया कि वह जांच कर पूरी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप देंगे, उसके बाद जो भी कार्यवाही करना है उच्च अधिकारी ही करेंगे। माननीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को मिली थी और उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि जाकर किसी जांच करके आओ, क्या स्थिति है। मैं उसकी जांच करने के सिलसिले में आया हूं और पालकों से मेरी चर्चा हो गई है हमारी। कई पालकों से अब प्राचार्य यहां पे है नहीं, वाइस प्रिंसिपल यहां मिल नहीं रही हमको, यह इनके जो जिम्मेदार व्यक्ति हमको मिल नहीं रहे हैं। अब मुझे बात करके ही मैं जाऊँगा और पूरी रिपोर्ट जो है बना करके संयुक्त संचालक को सौंपूंगा। जी सर, मेre बच्चे जो है पिछले 10 सालों से मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं तो ये कई बार सुन चुका हूँ कि इस स्कूल में संविधान का उल्लंघन किया जाता है। ना ही बच्चों को यहाँ राष्ट्रगान माइक में बजा दिया जाता है और बच्चों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद संविधान के नियमों के बारे में बताया नहीं जाता है, जिससे बच्चा
जागरूक नहीं हो पा रहे, ना ही उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। और ये जो स्कूल का जमाना है ये अभी से नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। हर साल का यही इनका रवैया रहता है, यही बर्ताव रहता है बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ, पालकों के साथ। हर तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के दौरान यही कृत्य किया जाता है। माँ बाप थोड़ा सा स्कूल का फीस अभी कोविड के बाद से सभी को परेशानी आ रही है, तो थोड़ा बहुत फीस ऊपर नीचे हो रहा है, तो फीस पैसा लेकर काउंटर जाने नहीं दिया जाए। हिंदू का कहना है आप फीस पटा उसके बाद बच्चा बैठेगा। स्कूल का एग्जाम टाइम है 9 बजे, 10:30 बजे तक फीस काउंटर में भीड़ लगा हुआ है। हम लोग प्रिंसिपल को बता मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आप बच्चे को भेज दीजिए, हम फीस पटा रहे हैं, तो भी इन लोगों का कोई वो नहीं है। आज स्कूल में प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसिपल जानबूझ करके यहाँ से गायब हो गई है। मेरा बच्ची क्लास 6B में पढ़ती है, तो मैं फीस लेके लाइन पे खड़ा था। खड़ा रहने के बावजूद मैं वहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी, मैं बच्चा बैठा फीस लेकर जाऊँगा, तो पिछले साल के अनुसार इस साल फीस बढ़ गया, उसके कारण कुछ पैसा मेरा कम पड़ गया। मैं बोला इनको बिठाओ, मैं ला के दे रहा हूँ, 5 मिनट की दूरी पर मेरा मकान है, वहाँ से मैं ला के फीस पे कर दे रहा हूँ। तो बच्ची को नहीं बिठाया, वो बच्चे रोती रही, फिर मैं जाके फीस पटाया। अभी 11:30 बजे मेरी बच्ची को एग्जाम हॉल में बिठाया गया। खबर पामगढ़ से है, जहां मनके मनके एक सामान का संदेश देने वाली बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी गिरौदपुरी धाम पहुंचकर मथा टेकते हैं। इसी बीच गिरौदपुरी मेला दर्शन करने प्रदेश भर के बसपा के तमाम बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान एनपी प्रदेश प्रभारी बसपा पी वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी बसपा समेत तमाम बड़े दिग्गज बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंबिकापुर में अवैध लकड़ी परिवहन करते हुए ट्रक को वन विभाग ने पकड़ा। दरअसल वन परिक्षेत्र के बस स्टैंड रिंग रोड में ट्रक में भरी नीलगिरी लकड़ी परिवहन करने की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रक चालक से पूछताछ किया गया। मौके पर पहुंचे वन परिक्षेत्र अधिकारी ट्रक चालक के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर ट्रक सहित लकड़ी को भी जब्त कर लिया है। अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये हमें एक सूचना मिली थी अभी 5 मिनट पहले कि ये ट्रक में लोड होकर जा रही है। अभी तो इसमें पेपर अभी जो देखें हम अधूरा है, इसको हम लकड़ी का सत्यापन करके हम कन्फर्म बता पाएंगे कि ये लकड़ी कहाँ जा रही थी और कहाँ इसको कहाँ से इसको ला रहे हैं। जांजगीर चांपा पुलिस को चोर गैंग पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को पिसोद गांव के शराब दुकान में हिरासत में लिया है और बिलासपुर में हुए चोरी के सामान बरामद किए। वहीं आरोपी की निशानदेही पर कोरबा से 5 अन्य आरोपियों और चोरी के सामान खरीदने वाले 2 ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों से सोना चांदी के जेवर और 4 लाख रुपए नकद बरामद किया है। सभी आरोपी कोरबा जिले के रहने वाले हैं और जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और विगत दिनों से लगातार 1 महीने से इस तरह की घटनाएं हो रही थी, जिसमें दिन के समय में खाली और सोने मकानों में चोरी नकदी की घटनाएं हो रही थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक टीम का गठन किया गया था, टीम द्वारा लगातार इन घटनाओं का निरीक्षण भी किया गया था, साथ ही इस तरह के संभावित चोरों के विषय में भी जानकारी हासिल की गई थी। और इसी दौरान ये चोर गिरोह पकड़ में आया, इनके पास से सोना चांदी और स्पीड बाइक भी बरामद की है। टोटल 24 लाख के आसपास का मशरूका बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी विवाद हो गया, जहां एक कांग्रेसी नेता ने शक्ति SDM को खुलेआम धमकी दे दी, जिसके बाद अधिकारियों और कांग्रेसी नेता के बीच हाथापाई हो गई। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। बता दें शक्ति जिला मुख्यालय के बुधवारी बाजार से 2 दिन से बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही चल रही। शुरू हुई इस कार्यवाही में कई दुकान और मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं।
जगदलपुर से है, जहां माझकोट रेंज वन परिक्षेत्र में आने वाली गणेश बहार से लेकर माझकोट सेंट्रल नाका तक बनने वाली लाखों की लागत से WBM सड़क का निर्माण खुद डिप्टी रेंजर लक्ष्मू मरकाम के द्वारा कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य में डिप्टी रेंजर के द्वारा अवैध गिट्टी एवं मोरंग का परिवहन वन भूमि पट्टा से किया जा रहा है। मोरंग एवं गिट्टी को रोलर के द्वारा दबाया नहीं जा रहा है, जिसमें खराब गुणवत्ता सड़क का निर्माण होना दिख रहा है। निर्माण में लगने वाली गिट्टी भी अमानजनक नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी बेफिक्र होकर डिप्टी रेंजर लच्छू मरकाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क का निर्माण करा रहे हैं। नहीं, क्या निमित्ताएं पाई गई हैं आप हमको बताओगे? जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, जो गणेश बहार से माझकोट तक वहाँ के जो है जो तिराहा है वहाँ तक जो रोड WBM का जो है निर्माण हो रहा है, उसमें कुछ जगह जो है इसमें हाथ से जो है तोड़ी गई जो है गिट्टी रखी हुई जो है वहाँ पर पाई गई है, और DFO को निर्देश दिया गया है कि वो गिट्टी का उपयोग जो है नहीं होगा वहाँ पर। जो मशीन से जो है तोड़ी गई मिट्टी ही जो है गिट्टी ही वहाँ पर जो है उपयोग में ला जाएगी। मूलम का अवैध उत्खनन किया गया है ये आप अभी जो है हमको बता रहे हैं, हम इसको देखेंगे कहाँ से जो है उसका उत्खनन किया गया है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। सच साहस सरोकार।